नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार के दो साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने की सहारनपुर में रैली। जनता के सामने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा, काम किया नहीं तो जश्न किस बात का। मुंबई के डोंबिवली में फटा जानलेवा बॉयलर। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। गया में एलजेपी नेता की हत्या के बाद हिंसा। जीतन राम मांझी के काफिले की कार में लगाई आग। एलजेपी नेता के परिजनों से मिलने जा रहे थे मांझी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बजरंग दल का जिला संयोजक गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। अयोध्या में लगाया था हथियार ट्रेनिंग कैंप। भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इटालियन मरीन्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत। शर्तों के साथ स्वदेश जाने का दिया आदेश। दिल्ली के विजय चौक में नीलगाय के घुसने से मचा हड़कंप। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने नीलगाय पर पाया काबू। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के जश्न के साथ। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। पीएम मोदी ने विकास के एजेंडे को दोहराते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कही। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं एक तरफ जहां मोदी सरकार 2 साल के कामकाज का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने अंदाज में उसकी कमियां गिनाई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि भाषणवीर मोदी 2 साल में कर्मवीर नहीं बन पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2 साल में सिर्फ भाषण ही दिखा, शासन नहीं। देश की विकास दर गिरी है। कांग्रेस के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर कई शब्द बाण छोड़े हैं। और अब खबर मुंबई से, जहां डोंबिवली इलाके में आज एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद आचार्य केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। घटना सुबह 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई। यह हादसा कैसे हुआ, फिलहाल वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। जहां एलजेपी नेता की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने जा रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के काफिले की कार में आग लगा दी गई। एलजेपी नेता सुदेश पासवान की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई। इस बीच जब मांझी डुमरियागढ़ मृतक के घर जा रहे थे, तब गुस्साई भीड़ ने काफिले पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लोगों की मांग है कि नीतीश कुमार को वहां लाया जाए। आपको बता दें कि बुधवार को जब पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुदेश अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे थे, उसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधी वहां आ धमके और उन्होंने सुदेश पासवान और उनके चचेरे भाई सुनील पासवान को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और अब अगली खबर अयोध्या से, जहां शौर्य प्रशिक्षण शिविर के दौरान हथियारों की ट्रेनिंग देने के मामले में पुलिस ने बजरंग दल जिला संयोजक महेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में दंगाइयों और आतंकवादियों को एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाला दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया था। साथ ही बजरंग दल पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे इटालियन मरीन को कुछ शर्तों के साथ इटली जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक ट्रिब्यूनल ने भी दोनों इटालियन मरीन्स को कार्रवाई पूरी होने तक कुछ शर्तों के साथ स्वदेश भेजे जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। मामले का दूसरा आरोपी इस समय इलाज के लिए इटली में ही है। आपको बता दें कि इटली के दो मरीन्स ने फरवरी 2012 में केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया विजय चौक पर अचानक नील गाय के दाखिल होने से अफरा तफरी मच गई। नील गाय दौड़ते दौड़ते बीच सड़क पर जा पहुंची, जिससे ट्रैफिक भी थम गया। इस नील गाय ने विजय चौक पर मौजूद एक पीसीआर वैन को भी टक्कर मार दी। नील गाय के बारे में सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, वन विभाग के अधिकारी और एनजीओ की टीम मौके पर आ पहुंची, लेकिन नील गाय ने सभी को खूब नाच नचाया और अब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय को सुरक्षित पकड़ लिया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।